थोड़ी देर में आएंगे दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े। 7.1% ग्रोथ के मुकाबले 7.5% ग्रोथ का अनुमान, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017 पर दिख सकता है करेंसी बैन का असर। जीडीपी ग्रोथ अनुमान में हो सकती है कटौती। नोट बैन और नगरोटा हमले पर विपक्ष का हंगामा, आज भी नहीं चली संसद, दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। सरकार ने कहा शहादत पर ना करें सियासत। नोटबंदी से हो रही है बैंकों को दिक्कत, बैंक यूनियन ने लिखी आईबीए को चिट्ठी। डीमोनेटाइजेशन के बाद आ रही दिक्कतों का किया जिक्र, कैश की दिक्कत से बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। बढ़ सकती है एटीएम से कैश निकालने की सीमा, 500 रुपए के नोटों की सप्लाई पर आरबीआई की नजर, सप्लाई बढ़ने के बाद लिमिट हट सकती है। बैंक में नहीं पहुंच रहा कैश, खाते में आने के बावजूद सैलरी निकालने पर रहेगा संकट, लेकिन आरबीआई और बैंक्स का दावा सैलरी के लिए कैश की नहीं होगी कोई दिक्कत, लगाए गए हैं एक्स्ट्रा काउंटर्स। बाजार में जोरदार तेजी, निफ्टी 8200 के पार, सेंसेक्स 259 अंक और निफ्टी 82 अंक चढ़कर बंद। कंज्यूमर ड्यूरेबल बैंकिंग कैपिटल गुड्स और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा चढ़े, बीएससी के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स सारे निशान में। ओपेक की बैठक से पहले क्रूड में तेजी, एमसीएक्स पर भाव 6% से ज्यादा चढ़ा। उत्पादन कटौती के मुद्दे पर वियना में ओपेक की आज अहम बैठक, उत्पादन में कटौती नहीं हुई तो कीमतों में आ सकती है और गिरावट। गिफ्ट सिटी के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा बीएससी, एक्सचेंज ने सेबी से मांगी मंजूरी। सिंगल स्टॉक फ्यूचर और सेंसेक्स बेस्ड इंडेक्स करेगा लॉन्च, अगले 2 हफ्ते में होगा ऐलान। राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, फिल्म शुरू होने से पहले सभी सिनेमा घरों में बजाए राष्ट्रगान, स्क्रीन पर दिखे तिरंगा, राष्ट्रगान के दौरान खड़े होकर सभी लोग करें सम्मान। युवराज हेजल की शादी में जुटे दुनिया भर के क्रिकेटर, आज चंडीगढ़ में पंजाबी रिवाज से होगी शादी, 2 दिसंबर को गोवा में हिंदू रिवाज से लेंगे 7 फेरे। संगीत में विराट कोहली ने लगाए ठुमके।